सबों बड़ी साखी है बिश्नोई समाज में जितनी भी साखियां है बांगी आशा की गुरु सजनों इन साखी का चार भाग है। पहले भाग में आदमी का संस्कार कैड़ा होना चाहिए। दूसरे भाग में परमात्मा की सत्ता है वह सर्वोपरि है बिना संसार में कोई चैलेंज नहीं कर सके। साकी को प्रमाण आयो के बावन कस में नीम आन जंबू में फिरती। सदनों ये जो साकी है इसका भावार्थ सुनिए आप। भगवान जांबू जी महाराज ने कितनी गहन और गंभीर बात इस साकी में प्रमाणित की है के बावन कस में नीम आन जंबू में फिरती तजा शहर गढ़ कोट तजा गज गेवर हस्ती तज दिया भोग विलास तजी अंते वरे रानी इतनी मैली मेरे रे दिन उदावे प्राणी जीवित हुआ खाक हुआ गुरु वचने जरना जरी अमर हुआ संसार में राजा गोपी चंद ने भर धर। सजनो एक शब्द वाले ज्ञान है और शब्द एक शब्द ही हर आदमी ने ज्ञान है ज्यादा की जरूरत को है। जामे जी प्रमाण दियो है कि न ओ गावे न गवावे सुरगे जाते बार न लावे। अगर एक शब्द मत आदमी विचार कर ले तो आदमी को जीवन बदल जाए। मंते एक बात बताओ होमन बाजरी में बोल एक मोटी मोटी क्वांटिटी कोली उठा पड़ जी भी और तो भाव है आएगी रेट हगली तो थोड़ी भरो ले तो जो एक शब्द वो आदमी ने ज्ञान दीजिए जो किन्द हो यो के राजा भर्तरी
उत्तराखंड में शिकार खेलने वास्ते रवाना होया और एड़ी तपोभूमि में पहुंच गया जी जी गोरखनाथ जी भक्ति करे ए एड़ी तपोभूमि तपस्या की स्थल ही बीन जी गया जाए और एक मृग को शिकार किया और सजनों मृग का शिकार करते ही तपो स्थली ही गोरखनाथ जी आ गए और राजा प्रसन्न कियो के महाराज क्या आपका खेत उजाड़ा क्या बाग उजाड़ा इस भोले जीव को मार दिया। तो सजनों राजा ने चैलेंज करनो और मौत ने बुलाओ एक तरफ राजा दूसरी तरफ जोगी और जोगी कहो जांबे जी महाराज एड़ो कहो मैं गोरख जैसा सिद्ध नहीं देखा पो उतर बापार दुनिया में सिद्ध पुरुष घना ही हुआ पर गोरखनाथ जी के समान आज तक कोई हो। गोरखनाथ जी आज भी हागे शरीर जिंदा है आज भी है। छह आदमी हागे शरीर सतयुग ले रहा तक जिंदा भी मैं छठो नंबर गोरखनाथ को बोले महाराज मैं एक राजा हूं और राजा का कर्म है आपने भगवान के लिए घर छोड़ दिया बाहर छोड़ दिया जमीन जायदाद बच्चों को छोड़ के क्यों लोगों को पाखंड में डुबा रहे हो। मैंने मेरे अधिकार का उपयोग करके इस जीव को मारा है और अगर आप इस जीव को जिंदा कर दोगे तो उज्जैन शहर के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। अरे ये मिर्गा जिंदा नहीं हुआ तो मिर्गे वाली हालत तुम्हारी हो रही। सजनों एक तरफ जोगी था दूसरी तरफ राजा था दोनों महान थे और जहां दो महान आत्माएं टकराती है वहां तीसरी चीज स्वतः उत्पन्न हो जाती है। क्या समय बदला सजनों